गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। जब भी आपको दिक्कत होगी मैं आपके लिए हाजिर होंगी, जैसे रोज रोज सही वक्त पर आ जाती हूं। चलिए तो फिर शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज क्या है खास आपके लिए। एक खास कंगन है जिसे पहनने से आपकी कई दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं। कौन सा है वो कंगन और किन प्रॉब्लम्स को करता है दूर, ये मैं आगे बताऊंगी। दिल की बीमारी से कैसे रखें अपने परिवार को दूर, मेरी बताई 7 चीजें खाएं, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, दिल की बीमारी आपको छू भी नहीं सकेगी। आपका बच्चा कैसे अपनी स्किन का ख्याल रख सकता है वो तो आपको करना है, लेकिन कैसे अपने बच्चे की स्किन को आप नेचुरली तरीके से अच्छा और चमकदार रखेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर हर काम में निराशा हाथ लग रही है तो डरे नहीं, मैं बताऊंगी 8 बातें जिन्हें अपनाकर आप अनसक्सेसफुलनेस को यानी कि असफलता को सफलता में बदल देंगे। दादी माँ के सुपर हिट नुस्खे जानिए, सुंदरता भी बढ़ेगी और परिवार की मुश्किलें भी होंगी दूर। शादी में दुल्हन सोने के कंगन जरूर पहनती है, सोने के कंगन घर में भी पहने जाते हैं। आजकल तो डिजाइन के हिसाब से सोने के कंगन हर दूसरी जगह पर मिलते ही हैं, इजीली बाजार में अल्टरनेटिव आ ही गए हैं, लेकिन पहले की महिलाएं सोने के कंगन ही पहनती थी। इसकी वजह क्या है आप जानते नहीं हैं, पर मैं आपको इसकी वजह जरूर बताऊंगी। फिर डिसीजन आपका है, फायदा समझिए फिर अपनाइए। लेकिन इससे पहले बात करते हैं आज के पहले माह उपाय की। अगर हर काम में तंगी हो तो संडे की रात सोते समय एक गिलास दूध भर कर अपने सिर के पास रखकर सोना है। दूध ध्यान से रखिए, नींद में दूध हिलना नहीं चाहिए। सुबह उठने के बाद फ्रेश हो जाएं, इसके बाद इस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। ऐसा हर संडे रात को कीजिए। इसे करने से आपके ऊपर लगी बुरी नजर दूर होगी, नेगेटिव चीजें आप पे असर नहीं कर पाएंगी और आपके कामों में सक्सेस मिलेगी। फिर से मैं आपको कहूंगी, मुझे दूध की वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं, एक गिलास पानी में 4 चम्मच दूध डालकर भी ये उपाय कर सकते हैं। रोज छाछ जो भोजना करके रोज, ना जरूरत वैद की चेहरे पर हो ओझ, कितना अच्छा दोहा है ना। ये दादी माँ के नुस्खे हैं जिन्हें हम भूल गए हैं। आपको दादी माँ के कुछ बेहद कारगर नुस्खे बताऊंगी जिसे अपनाकर आप सुंदर भी होंगी और छोटी मोटी दिक्कतें भी अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले धर्म से जुड़ी एक खास जानकारी लीजिए, जानिए क्यों पहने जाते हैं सोने के कंगन। तो आपको बताते हैं क्यों पहने जाते हैं सोने के कंगन। पुराने समय से नारी श्रृंगार में आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स बहुत जरूरी रहे हैं। ये सभी ऑर्नामेंट्स सोने या चांदी के होते थे। सोने या चांदी के भारी कंगन, और बताते हैं क्यों पहने जाते हैं सोने के कंगन। पुराने समय से नारी श्रृंगार में आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स बहुत जरूरी रहे हैं। ये सभी ऑर्नामेंट्स सोने या चांदी के होते थे। सोने या चांदी के भारी कंगन और कड़े पहने जाते थे, इसका रिवाज था। लेकिन इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। फीमेल्स को आखिर क्यों पहनाए जाते थे सोने के कंगन। साथ ही मेडिकल नजरिए से देखें तो फीमेल्स की बढ़ती उम्र के साथ साथ हड्डियां कमजोर होने के अलावा कई बीमारियां उनको घेर लेती हैं। सोने और चांदी के कड़े हड्डियों को मजबूत करते हैं और लगातार इसको पहनने से इसके मेटल के गुण आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे फीमेल्स की बीमारियों से उनको निजात मिलती है। ज्यादा उम्र में भी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उस बुरे समय में गहने आपकी हेल्प करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सोने के कंगन पहनने की परंपरा बनाई गई थी। कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ने से कम होता है, ऐसा कई लोगों को लगता है। डाइटिंग करने से कम होता है ऐसा भी लगता है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिन्हें खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आप फिट होंगी। साथ ही अगर किसी को सफलता नहीं मिल रही है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, तो छोटी मोटी बातें अपनाकर आप सक्सेस के रास्ते पर बढ़ जाएंगे आगे। कौन सी है वो बातें जिनको आपको रखना है ध्यान, आगे बताऊंगी। लेकिन पहले दादी माँ के घरेलू नुस्खों की बात। पीती रोज छाछ जो भोजना करके रोज, ना जरूरत वैद की चेहरे पर हो ओझ। रोज खाने के बाद छाछ पीने से कोई बीमारी नहीं होती और चेहरे पर
ग्लो ग्लैमर बना रहता है। छाछ हींग सेंध। अब दूसरा सवाल ये आता है कि छाछ कैसी हो, तो छाछ हींग सेंधा नमक दूर करे सब रोग, जीरा उसमें डालकर पिए सदा ये भोग। छाछ में हींग सेंधा नमक और जीरा डालकर पीने से सब तरीके के रोग दूर हो जाते हैं। एक और बात सुनिए, सात पत्ते ले नीम के खाली पेट चबाए, मधुमेह को दूर करे सब कुछ मन को भाए। नीम के सात पत्ते खाली पेट चबाने से डायबिटीज दूर हो जाती है। एक और बात सुनिए, गाजर रस संग आंवला 240 ग्राम रक्तचाप हृदय सही पाए सब आराम। 20 ग्राम गाजर के जूस में 40 ग्राम आंवले का जूस मिलाकर पीने से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी में आराम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली चीजें और सफलता दिलाने वाला फॉर्मूला आपको आगे बताऊंगी, पहले राशियों का हाल जान लीजिए। मेष राशि के लोग एरियंस, गाय को बनाना खिलाइए। लकी टाइम आफ्टरनून 2:34 to 4:34 PM, लकी परसेंटेज 50%। वृषभ राशि वाले लोग टॉरियंस, दूध या दही का सेवन नहीं कीजिए। लकी टाइम इवनिंग 4:03 to 5:23 PM, लकी परसेंटेज 65%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, अपने घर में पीले फूल सजाइए। लकी टाइम मॉर्निंग 8:05 to 9:55 AM और लकी परसेंटेज है 52%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, शिव जी की पूजा कीजिए। लकी टाइम क्या है, मॉर्निंग 10:20 to आफ्टरनून 12:05 PM और आपकी लकी परसेंटेज है 48%। आजकल दिल की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हार्ट अटैक होना एक आम बात हो गई है। अपने परिवार को इससे कैसे बचाएंगे? लहसुन से लेकर ग्रीन टी तक ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम हो जाता है। कौन सी है वो चीजें और क्या है उनके फायदे, आपको आगे बताएंगे। पहले सफलता दिलाने वाले कुछ खास तरीके। सबसे पहली बात, किसी को बीच में टोके नहीं। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी इंसान को बीच में नहीं टोकें, जब तक कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर ले। अच्छा सुनने वाला इंसान ही लोगों को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। उनकी सफलता और असफलता के बीच में ये छोटा सा फर्क होता है। गुड लिसनर्स आर सक्सेसफुल पीपल। दूसरी जरूरी बात वो ये कि आप मना करना सीखें। सफल लोगों में सबसे अलग बात होती है, वो लोग जानते हैं कि मना कैसे किया जाता है, इसलिए ऐसे ही सामने वाला नाराज भी नहीं होता और इस फालतू की जिम्मेदारी में वो लोग पड़ते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से काम करना है, अपने समय को किस तरह से उपयोग करना है। इसलिए अपने काम में आने जाने वाली किसी भी जिम्मेदारी को वो अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं समझते। इसलिए जो आदमी सफल होता है या सफल बनना चाहता है उसे ना कहने की कला आ जाती है। एक और जरूरी बात बताते हैं कि किसी भी गॉसिप का हिस्सा बनकर समय खराब नहीं करें। मैं क्यों आपको बार बार बोलती हूँ, गॉसिप वाले शोज मत देखिए, क्योंकि अगर आप गॉसिप का हिस्सा बन जाते हैं तो अपने समय को खराब करते हैं, कोई समझदारी का आउटपुट नहीं निकलता और जिस किसी के बारे में भी बात करते हैं वो बात कहीं ना कहीं अगर आगे पहुंच जाती है, आपके जानकार लोग हैं, तो आपकी इमेज खराब होती है। सफल लोग खुलकर बात करते हैं, दूसरों की चर्चा में समय बर्बाद नहीं करते और ये गॉसिपिंग करना एक बड़े स्तर की बेवकूफी है। सबसे जरूरी बात, सही समय पर शुरुआत करें। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने दिन की प्लानिंग दिन के शुरुआत के साथ ही कर लेते हैं। पूरे दिन भर उन्हें किस तरीके से काम करना है और किस चीज को इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी देनी है उसके लिए वो जल्दी उठते हैं, अपने दिन को प्लान करते हैं और किसी भी मीटिंग में देर से नहीं जाते। समय की यही पाबंदी उन्हें बाकी लोगों के मुकाबले सक्सेसफुल बनाती है। एक और जरूरी बात, इमोशंस पर काबू रखें। ऐसे लोग दूसरे लोगों के काम को जज की बजाय अपने काम पर ध्यान देते हैं, इसलिए आप बाकी लोगों के साथ अपने आप को वैसे ही समझिए जैसे सक्सेसफुल लोग समझते हैं। अपनी मंजिल की ओर ध्यान दीजिए, वहाँ आगे बढ़िए, दूसरों को जज नहीं कीजिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए
और किसी भी काम में कमियां निकालने की बजाय उसको बेटर करने के लिए अपनी स्किल्स और अपनी इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए। कमियां मत निकालिए। अपने पास्ट को अपने पर हावी नहीं होने दें। जिंदगी में हर कोई सफल पैदा नहीं होता, कई बार हार का सामना कर ही सफलता मिलती है, पर खुद को आप उस हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, उससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। एक बात और आपको बताते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप में कटिंग एज होना चाहिए, औरों के मुकाबले कुछ अलग होना चाहिए। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं या होना चाहते हैं, वो लोगों से प्रेरणा तो लेते हैं लेकिन किसी को कॉपी नहीं करते। तो कॉपी करना छोड़िए, इंस्पिरेशन आप जरूर ले सकते हैं। छोटे बच्चों को संभालना किसी चैलेंज से कम नहीं है और मदर्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। कई बार आप केयरलेस हो जाती हैं और आपके बच्चों की स्किन बिगड़ जाती है। तो आपको बताते हैं कुछ नेचुरल तरीके जिससे आपके बच्चों की स्किन रहेगी चमकदार, पर इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली कुछ खास चीजों की। पहली वो चीज है लहसुन, यानी कि गार्लिक। लहसुन खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, उसमें मदद मिलती है। साथ ही लहसुन आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपको इसको रेगुलर तरीके से खाना है और अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी है, क्योंकि कुछ लोगों के ब्लड ऐसे हैं जिसमें लहसुन उनके लिए सूटेबल नहीं होती है। दूसरी जरूरी चीज है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके शरीर में से एक्स्ट्रा फैट को कम कर देती है, इसलिए फीमेल्स जो मोटापे के शिकार होती हैं, उन्हें भी ग्रीन टी पीने की सलाह दी जाती है। और ये खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से कम करती है और हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करती है, तो इसलिए ग्रीन टी भी जरूर लीजिए। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के मामले में आप ग्रीन टी का योगदान बहुत बड़ा है, उसको इस्तेमाल कीजिए। अलसी के बीज, जी हाँ, अलसी के बीज, पिसे हुए अलसी के बीज भी आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं, निगल सकते हैं, स्वॉलो कर सकते हैं, सलाद में, सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, उसमें मदद मिलती है। ब्लैक ग्रेप्स, सुनते ही आपके और मेरे मुंह दोनों के मुंह में आ जाएगा पानी। वैसे तो ब्लैक ग्रेप्स बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन अगर आप इसको खाते हैं तो इसको खाने से आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो दूर होता है, आपके हार्ट डिजीज को कम करने के चांसेस करते हैं ब्लैक अंगूर, और इसमें मौजूद जो तत्व हैं वो आपके दिल को मजबूती देते हैं। और उसके साथ साथ आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग ब्लैक ग्रेप्स उठ के खाइए। राजमा, जी हाँ, राजमा जो एक तरफ एसिडिटी करता है, वो आपके अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स हैं उसको रेगुलेट करता है, कुछ ऐसे फाइबर्स आपकी बॉडी में पहुंचाता है जिससे आपके खाने में कोलेस्ट्रॉल का बैड इफेक्ट कम होता है, और साथ ही साथ आपके दिल के लिए भी, आपके हार्ट के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ग्रीन वेजिटेबल्स, हम सभी जानते हैं हरी सब्जियां हम सबको खानी चाहिए, पर फिर भी जब बाहर जाते हैं तो हरी सब्जियों को अवॉइड करते हैं। इनको अपने शरीर का, अपने खाने का, अपने डाइट का एक जरूरी हिस्सा बनाइए। इससे आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज दूर होती है, आपकी बॉडी में फाइबर जाता है जिससे हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। कई लोगों को ऐसा डाउट है कि ड्राई फ्रूट्स कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जबकि ड्राई फ्रूट्स आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा कमाल करता है, लेकिन इसके साथ सही क्वांटिटी बहुत जरूरी है, यह आपको ढेर सारी एनर्जी भी देता है। इसलिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अपनी डाइट में शामिल जरूर कीजिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में शामिल कीजिए। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर आपकी ख्वाहिश विदेश यात्रा की है तो ये प्रयोग आप कर अपना फायदा ले सकते हैं। किसी भी संक्रांति के दिन सफेद तिल और थोड़ा सा गुड़ लीजिए, सनसेट के बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में डालकर उस कुल्हड़ को पीपल के एक जो अपने आप गिरा हुआ पत्ता हो उसे लेकर उसे ढक लीजिए, फिर किसी आग के पौधे की जड़ के पास रखाएं। आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखें। घर में आकर नहाकर आप पानी में थोड़ा सा केसर मिलाकर ये चीज अपने गुरु के आगे पानी और केसर रखिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी।
छोटे बच्चे की स्किन को नेचुरल तरीके से निखारने का तरीका आगे बताने वाली हूँ। पहले आगे की राशियों का हाल। सिंह राशि के लोग लियोज, घर लौटते समय कोई भी ग्रीन चीज घर ले आइए। लकी टाइम आफ्टरनून 3:23 to 4:07 PM। लकी परसेंटेज 60%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, किसी की बुराई नहीं करें। लकी टाइम इवनिंग 5:07 to 6:35 PM। लकी परसेंटेज 52%। तुला राशि वाले लोग लिबरल, नेगेटिव सोच से बचिए। लकी टाइम मॉर्निंग 9:55 to 10:55 AM। लकी परसेंटेज 61%। स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि वाले लोग, घर से बाहर जाने से पहले सीधा पैर बाहर निकालिए। लकी टाइम इवनिंग 4:56 to 5:25 PM। लकी परसेंटेज 55%। ब्यूटीफुल दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर जाकर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसी ब्यूटी टिप्स देती रहूंगी जो लगातार आपकी स्किन को सुंदर रखेगी, आपको हमेशा जवान लगेगी, जिसमें पैसे भी नहीं लगेंगे। पर इसको फ्री की समझकर यूं ही मत जाने दीजिएगा, इन्हें ट्राई कीजिए, ये अनमोल चीजें हैं। लेकिन पहले आपके बेबी की बात करते हैं। चलिए थोड़ा खुश करते हैं आपको। बच्चे की स्किन को नेचुरली तरीके से कैसे निखारें? सबसे पहले हल्के गरम तेल से, बिल्कुल हल्के गरम तेल से बच्चे के शरीर की मालिश करें। मालिश करने से पहले तेल को आप अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं ज्यादा गर्म ना हो जाए। इससे स्किन को पूरा नर्चरिंग मॉइस्चर मिलता है और नरमी, बॉडी की जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से मेंटेन रहता है। बच्चे को डेली थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जूस पिलाएं। आप एप्पल जूस, ग्रेप जूस भी पिला सकते हैं, इससे उसकी स्किन में निखार आएगा। गुलाब जल, दूध और बेसन को मिला लीजिए, फिर इसे बच्चे की स्किन को हल्का हल्का स्क्रब कीजिए। आप टीनेजर बच्चों की स्किन पर भी कर सकते हैं, इससे स्किन में ग्लो आएगा। बच्चे को हल्की धूप दिखाएं, इस बारे में डॉक्टर से पूछ लीजिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स का यही कहना है कि धूप बच्चों को दिखाने से बच्चे के शरीर को विटामिन डी मिलता है, इससे बच्चों की बोन्स में स्ट्रेंथ होता है और हर तरीके से बच्चों में स्ट्रेंथ आती है। बच्चे को हर तरीके से साबुन से ना नहलाएं, उसे दूध, गुलाब जल, ऐसी नेचुरल चीजों से नहलाएं। और अगर ऐसा ना कर पाए तो बेबी सोप का ही इस्तेमाल करें। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, इसके बाद बात करते हैं तीसरे और बहुत खास महाउपाय की। ब्रेक के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है। कुछ खास ब्यूटी टिप्स। संतरे से दूर होते हैं मुहासे, संतरे के सूखे छिलकों को पीसकर उसका पेस्ट बनाएं, चेहरे पर लगाएं, पिंपल्स चले जाएंगे। अगर आपके पास सूखे छिलके नहीं है तो संतरे या नींबू के गीले छिलकों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कच्चे पपीते को कद्दूकस करके एक कॉटन के कपड़े से उसका जूस निकालिए, पिंपल्स पर लगाइए। ये हर तरीके से पिंपल्स को दूर करने का रामबाण इलाज है। इससे चेहरा सुंदर बनता है, साथ साथ स्किन को भी सॉफ्टनेस मिलती है। एक काम और कर सकते हैं, एक बड़े चम्मच ऑरेंज जूस और एक बड़ा चम्मच नींबू का जूस लीजिए, इसे दही में मिलाइए, पेस्ट बनाइए, 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाइए, फिर गीले टिश्यू से पोंछ दीजिए, चेहरे पर चमक आ जाएगी। आप खीरे का जूस, गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं, इससे भी चेहरा निखरता है। लास्ट की चार राशियों का हाल जानते हैं। धनु राशि वाले लोग सैजिटेरियन, खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाइएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 to 5:15 PM। लकी परसेंटेज 70%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, मंदिर के पुजारी को दान दीजिए। लकी टाइम मॉर्निंग 7:07 to 9:45 AM। परसेंटेज 59%। जरूरी नहीं है मंदिर, जिस भी धर्म पे जाते हैं उसकी पुजारी को दान दे दीजिए। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियन, सुबह उठकर पानी जरूर पीजिए और उसमें 7 दाने मिश्री भी मिलाइए, आपका दिन भी गुड न्यूज वाला रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:05 to afternoon 12:35 PM। लकी परसेंटेज 60%। और मीन राशि वाले लोग पाइसेंस, घर से बाहर जाने से पहले सूर्य को देखकर जाएगा, आपका सूर्य मजबूत रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:07 to 3:35 PM। लकी परसेंटेज 56%।
बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। अगर भूख नहीं लगती है, खास तौर पे बच्चे तंग करते हैं, तो गुड़ खिलाएं। इसमें एंटी एलर्जिक तत्व होते हैं, सर्दी जुकाम और अस्थमा से आपको बचाते हैं। गुड़ को खाने से आपका डाइजेस्टिव जो फायर है वो बढ़ता है और खुलकर भूख लगती है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कल है आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस, और सरप्राइजेस का मजा तो सस्पेंस के साथ ही है, इसलिए मैं उनको खोलने नहीं वाली हूँ। जो सुना है वो शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, और गॉसिप में टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।